स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइनिंग और डिटेलिंग के लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर सीखने जरूरी है या फिर किन सॉफ्टवेयर से आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो स्टैट प्रो से कर सकते हो, क्योंकि स्टैट प्रो आज भी काफी सीनियर स्ट्रक्चरल डिजाइनर द्वारा पॉपुलरली यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसलिए आप भी अपने काम की शुरुआत स्टैट प्रो से कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको स्टैट फाउंडेशन भी सीखना होगा और आरसीडीसी भी सीखना होगा, क्योंकि स्टैट प्रो और स्टैट फाउंडेशन के अंदर आप अपने स्ट्रक्चर की एक अच्छे से कंप्लीट एनालिसिस कर पाओगे और उसके बाद आरसीडीसी के अंदर आप उसकी डिजाइन और अच्छी तरह से डिटेलिंग कर पाओगे। लेकिन अगर आपको डिटेलिंग के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना हुआ क्लाइंट की या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो फिर आपको उस फाइल को ऑटोकैड में ले जाकर उसकी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि स्टैट प्रो, स्टैट फाउंडेशन और आरसीडीसी के साथ साथ आपको बेसिक्स जो ऑटोकैड के होते हैं, जिसमें आप बेसिक ड्राफ्टिंग वगैरह कर पाओ, डिटेलिंग वगैरह कर पाओ, उतना आपको ऑटोकैड भी आना जरूरी है। तो ये चार सॉफ्टवेयर आपके लिए जरूरी हो जाते हैं अगर आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस की शुरुआत करनी है, अपने काम की शुरुआत करनी है, तो ये चार सॉफ्टवेयर आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख जाते हो तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। और अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो उसके बाद, तो फिर आप ईटैब्स या टेक्ला वगैरह के ऊपर जा सकते हो।